नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। महिला कुश्ती में पहला ब्रॉन्ज जीतकर भारत लौटी साक्षी मलिक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया जोरदार स्वागत। साक्षी को बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने लगाया साई और नाडा के जूनियर अधिकारियों पर नर्सिंग मामले की साजिश रचने का आरोप। रियो जाने से पहले डॉप टेस्ट में फेल हो गए थे नर्सिंग। खेल पंचायत ने लगाया है पहलवान नर्सिंग पर 4 साल का प्रतिबंध। दलीप ट्रॉफी में फ्लड लाइट और गुलाबी गेंद ने बरपाया बल्लेबाजों पर कहर। पहले दिन गिरे 17 विकेट। इंडिया रेड और इंडिया ग्रीन के बीच चल रहा है मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने की आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स की आलोचना। कहा, पैसों के लिए बर्बाद हो रहे हैं क्रिकेटर्स। T20 में अच्छा प्रदर्शन करके कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं खिलाड़ी। और जीका से नहीं स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं एथलीट सुधा सिंह। रियो ओलंपिक में महिलाओं की 3000 मीटर स्टिपल चेस्ट स्पर्धा में सुधा ने लिया था हिस्सा। भारत लौटने के बाद उन्हें हुई थी बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत। खेल जगत की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।